मुझ जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ इश्क में मारे जाते हैं। जुबान संभालिए सर साहब, आगे एक और लफ्ज भी कहा तो। बर्दाश्त करना सीख, बर्दाश्त भी एक असूल है। निशा, तुम कहीं नहीं जा रही। सुनो राजू, 7 करोड़ रुपए की वापसी के लिए 7 लाख खर्च किए जा सकते हैं। तू जानता है कि मुझे ये हरकत अच्छी नहीं लगती। लानत भेजता हूं मैं नजायज पैसे। शट अप, गेट आउट, निकल जाओ यहां से वरना गोली मार दूंगा। गोली मारेगा, मार गोली। वैसे तुमको नहीं मिलने वाले अकबर, तुम जानते हो जो मौत से नहीं डरता ना वो जिंदगी से भी नहीं डरता। देखो 7 में से 3 करोड़ तो खर्च हो गए, बाकी बचे 4।
मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, समझ लो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है। सर ये चक्कर ले रहे हैं। जब तो बड़े बात कर रहे हैं तो बीच में नहीं बोलते। अकबर इसे थोड़ी देर के लिए मेरे हवाले कर दो और अपनी गन भी दे रहा सर मुझे, अभी इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। देखो तुम्हारे पास नेटवर्क है और मेरे पास हौसला, मिलकर काम करते हैं, यकीन करो मुझसे अच्छा पार्टनर तुम्हें सारी दुनिया में नहीं मिलने वाला। क्या मतलब हमारे पैसे से हमें क्या खुद बनाओगे? मैं सच कह रहा हूं, बिल्कुल सच। मैं तुमसे यही करना चाहता हूं लेकिन लोग नहीं मेरे पास, तुम्हारे पास ज्ञान है। हम लोग एक तो डिलीवरीज में करोड़ कमा सकते हैं और सप्लाई का इंतजाम है मेरे पास। नहीं मगर हमें हमारा पैसा वापस चाहिए और बस। ठीक मार दो गोली मगर पैसा तो नहीं दूंगा मैं। लेकिन इस बात की क्या जमानत है कि तुम झूठ नहीं बोल रहे? जफर की जान तो तुम वाकई मौत से नहीं डरते? नहीं मार दो गोली। नहीं अपने राय को अपने हाथों साबित करो। जफर की जान की कसम मैं खाई क्यों परेशान हो बेटा? हाँ ना बैठिए ना। बेटा मैं तुमसे कुछ कहना चाह रही थी, तुम्हारी माँ की जगह हूँ बुरा ना मानना। ये ना खाना क्या बात? आखिर तुमने क्या सोचा है? भला मैं कब तक फायजा को घर पे बिठा के रख सकती हूँ? असर दे तो तुम पाक बना के रखा हुआ आखिर ये सब। आप ठीक कहती, मैं खुद भी हूं भाग भाग कर तंग आ गया।
बहुत जल्द अपनी किस्मत का फैसला करना होगा। बेटा कहने या सोचने से हालात सेट नहीं होते, और फिर तुमने तो बोलने जागने सोने हर चीज में तुम तो उसी पर डिपेंड करने लग गए हो। उसकी वजह से सब लोग भी नजरअंदाज हो। लेकिन उफ मेरा खुदा, दिमाग खराब है, दूध रख के आई थी भूल गई, तब गिर गया होगा। ये वापसी भी मुझे आज ही लगती, अब तो मुझे असद भाई से जेलसी हो गई है। पता नहीं कहां चला गया, खुदा खैर करे। यानी मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ और फिर भी तुम उन्हीं को याद कर रहे हो? मैं ही पागल हूँ जो तुमसे उम्मीद लगाए बैठी हूँ। फायजा सुनो, फायजा, फायजा, फायजा मेरी बात सुनो। वालेकुम अस्सलाम, थक गई, होमवर्क कर रही हो? हाँ बाजी। बाजी वैसे असद साहब काफी मजेदार आदमी है ना? हाँ। आप बताएं ना, आपका क्या ख्याल है उनके बारे में? क्या मतलब मेरा क्या ख्याल है उनके बारे में? मेरा मतलब है आप क्या सोचती हैं उनके बारे में? मुझे तो आपके मामले काफी सीरियस लगते हैं। वैसे भी करते क्या है? कभी बताया ही नहीं, ये मैंने कभी सीरियसली पूछा ही नहीं उनसे। बड़े साफ को और बोल्ड से आदमी है, मैंने सोचा कि मैं उन पर एतमाद करी। मेरा और भैया का भी यही ख्याल है बाजी, हम अक्सर यही बातें करते हैं कि मेरी प्यारी सी बाजी का पता नहीं कौन और कैसा दुर्गा होगा, लेकिन असद भाई को देखने के बाद तो ऐसे लगता है कि उनसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा अच्छा बस कर दो तारीफ, वो किधर है जरीना, उसे को मुझे चाय तो पिलाओ। बाजी आपने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया, अब मैं अपनी प्यारी सी बाजी के लिए अपने हाथों से ही चाय बनाऊंगी। एलेक्स, एल, गैस स्टेशन के वेटिंग रूम में पहुंच के आपका बहुत वेट किया सर, आप तो वहां थे ही नहीं। तू लगता नहीं है, तू वाकई घमंड। उन लोगों ने यहाँ छापे मार मार के इसको छापा खाना बना दिया था सर, वो तो अगर ये सोफा ना होता तो। अबे जब तू मरेगा ना तो इसी सोफे का कॉफिन बनाकर तेरी लाश उसमें मैं बंद कर दूंगा, समझा? जा आज कोई स्पेशल डिश बना, आज हम बहुत खुश हैं। किचन भी एम्प्टी है, डीप फ्रीजर एम्प्टी, फ्रिज एम्प्टी, अगर आप बोले तो आपकी खिदमत में दान पेश करूं सर। अगर तू अंग्रेजी ना जानता होता ना तो मैं तुझे इतने जूते मारता नहीं, बल्कि तेरे ये हाथ पैर तोड़वा कर तुझे मैं चौक पर छोड़ आता भीख मांगने के लिए, समझा? अब जा और बाहर वाला जो कमरा है मेरा उसको साफ करवा कर फर्नीचर बनवा, उसको डेकोरेट करवा दे, मैं वहां पर ऑफिस बनाना चाहता हूँ। मुझे मेरी सैलरी देके फारिग कर दो सर, मैं ये सब झंझट नहीं अफोर्ड कर सकता, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। शादी तो अभी तक मेरी भी नहीं हुई, लेकिन हाँ अगर तूने दिल लगाकर काम किया तो हो सकता है कि मैं तेरी शादी भी करा दूं। और सुन, अब उन मिठूस दुश्मनों से छुपने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब उनसे हमारी डील हो गई है। Fantastic. तो फिर लाओ लेमन बाल ले इसी बात पर। वाह 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 वा। क्या बात की तुमने, जी खुश कर दिया कमबख्त तूने मेरा। अरे तुझे नहीं पता ये सब उसी लेमन बाल ले के तो कमाल था, हाय वहीं से तो किस्मत ने जंप ली थी। और सुन कमबख्त, ब्राजीलियन मत ले आना। ब्राजीलियन
जब उसने ट्रेडर लगाया ना तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल उछल के हलक में आ जाएगा। अभी इस लकी मैं अपने ट्रेडर में एक खाना हमेशा खाली रखता हूँ। मैं तो समझ रही थी कि तुम्हें मालूम है कि वो खाली खाना बैरल के सामने है। नहीं, ये महज इत्तेफाक था और इसीलिए मुझे इस नतीजे पर पहुंचा है कि किस्मत इसका साथ दे रही है, उसे जिंदा रखना चाहती है। जब भी मैंने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मैंने इतना कॉन्फिडेंट और बेखौफ आदमी आज तक नहीं देखा। He is fabulous. कल उसकी कोठी पे कुछ गार्ड्स भिजवा दो, हम बिजनेस में आएंगे तो फरीद खान और आफ्ताब से टकराव होगा। जूता पॉलिश का काम शुरू कर दिया क्या? चलिए जूते वापस कर और खड़ा हो जाओ। कहा था इतने, कम से कम फोन तो कर लेता है। मैं इतना परेशान था। तू जफर पहले मेरे लिए परेशान हुआ करता था, अब नहीं। अब तो सोचता होगा कि अच्छा वो जान छूटी। देख बेजारी कितनी ही हल्की क्यों ना हो, मैं फील कर लेता हूं। बेजारी तो है, देख मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन मैं तेरी एक्टिविटी से तंग आ गया। मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ यार। क्या सोचता है? क्या सोचता है? यही कि फिर जाकर कहीं बावर्ची लग जाएगा, हाँ? उसी पुरानी दुरानी फायजा से शादी करके खाला का घर दामाद हो जाएगा। अब इसके लिए सोचकर दिमाग थकाने की क्या जरूरत है? तू ना भी सोचे ना तब भी यही होने वाला है। चलो खड़ा हो जा। मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, मैं तंग आ गया रोज रोज भाग दौड़ से यार। देख वो चूहे बिल्ली का खेल अब खत्म हो चुका है। अकबर से मेरी डील हो गई है, अब तो चैन से रहेंगे और ऐश करेंगे। कल कोई नया मसला होगा, मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूं। ये अकबर या असगर की बात नहीं है। मैं कह रहा हूं ना कुछ नहीं होगा, अब शराफत उठता ही है। असद प्लीज Shut your mouth and stand up on the bench. यार मेरी बात समझने की कोशिश तो कर। कोठी चलकर समझाना, यहां से निकल। मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है, मेरी खाला है तेरी खाला नहीं है, तुझे क्या पता? तेरी खाला को भी शानदार सा स्कूल खुलवा दूंगा, समझा? अब मुंह बंद और निकल चल। अच्छा अच्छा यार जूते तो पहने दे। वो यार छोड़ उठा मैं चल। सारा बीबी मेरे पड़ोस का बच्चा है सिकंदर, सामने पलकर जवान हुआ है, बड़ा ही नेक और शरीफ बच्चा है। दवाई लेने निकला था, मोबाइल ने पकड़ लिया, थाने ले जाकर तो पिस्तौल डाल दी। वो तो ठीक है कुलसुम आपा, लेकिन जिशान मेरी सुनते कब है? तुम्हारी नहीं सुनते तो फिर किसकी सुनते हैं? सारा बीबी आजकल सभी जानते हैं बंदा पुलिस के हाथ लग जाए तो मुफ्त में नहीं छोड़ते, चाहे वो बेगुनाह ही क्यों ना हो। मैंने साफ साफ सारी बातें सिकंदर की माँ को बता दी हैं, बड़ी मुश्किल से 50,000 का इंतजाम करके दिया है। आइए ये रख लो, बस ज्यादा से ज्यादा बच्चा कल तक छूट जाए। माँ ने खाना पीना छोड़ा हुआ है, बिन बाप का बच्चा है। मैं जिशान से बात करूंगी, लेकिन ये पैसे रखो रखो बेटा, पैसे की किसे नहीं जरूरत होती है। अच्छा मैं चलती हूँ, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अपना ख्याल रखना। सर वैसे अगर आप मीटर लगवा लें तो आप तो हजारों रुपए रोज कमा सकते हैं। तुम्हें कैसे पता कि मेरी आधी जिंदगी दौड़ते हुए गुजर गई? सर ये हमारा अपना आइडिया है, हम पहले अंग्रेज का वेटर था। हाँ। और अंग्रेज का वेटर होने से किडनी तेज हो जाती है। यस सर। जफर को जगाया तुमने? यस सर।
और सुन, वो फ्रेंच टोस्ट बना दे और फ्रेंच जरा कम रखना। क्या मुसीबत आ गई? सुन, अब हमें स्टाइल लाइफ सही करना होगा क्योंकि अब हम हाई सर्कल में। लाइफस्टाइल होता है वो, वो जो भी होता है। सुबह उठ के लॉन में जॉगिंग कर, दौड़ लगा, अंडे मक्खन खा, जान बना। मुझे कोई शौक नहीं है, ये तेरा टारगेट है, मेरा नहीं। और तेरा टारगेट क्या? हाँ, दूल्हा बनना है ना? खैर, वो भी बना ही दूंगा। अच्छा खैर, जल्दी से तैयार हो जा, मैं बाहर के कमरे में ऑफिस बनाऊंगा। जर्म करने के लिए किसी ऑफिस की जरूरत नहीं होती। हजारों गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ऐसे में कोई पागल ही होगा जो जर्म करे। तुझे तो समझाना ही बेकार है। सुन तो, हेलो। हाँ सादिया, कहाँ हो? हाँ बस निकल रही थी। ठीक है, तुम फौरन पहुंचो। और सुनो, मैं यहाँ से असद को फोन कर रहा हूँ, मिल नहीं रहा। तुम फौरन से फोन करो और कहो कि 2 बजे कंसाइनमेंट फाइनल करके आ जाए। ओके, ठीक है ठीक है, मिलते हैं, बाय। हाँ भाई सिकंदर, पिस्तौल किसका था? रियाज ने दिया था रखने के लिए, वो साथ पड़ता है। आगे? और 1000 रुपए भी दिए थे, वो तो खर्च हो गए। पैसे किस लिए दिए थे? ताकि मैं पिस्तौल अपने घर छुपा दूं। ऐसा पहली बार हुआ? पहले भी कई बार। पिस्तौल किस लिए लिया था सर? वो लोग डकैतियां करते हैं सर। असल मैं सर स्टूडेंट कहते शर्म आती है। मकसूद, शाम को से ले जाके रियाज के घर रेड करो और बाकी मुजरिमों को भी अंदर करो। बंद कर दो इसको। अभी लेके आता हूँ। लाओ बेटा लाओ, मैं खिला, मेरा बेटा लाओ टूटू, मैं खिला, मम्मा खिलाएंगी, मम्मा खिलाएंगी। ऐसे मुंह खोलो। किधर गया? मुंह खोलो, शाबाश, मुंह खोलो, खोलो खोलो, ऐसे। घर में काला पैसा भरा हुआ है और मेरे बेटी की किस्मत में टंकी फंसा भी नहीं। खोलो बेटा, खोलो खोलो, मम्मा के हाथ से लगा हुआ इधर। ऐसे शाबाश, खोलो ऐसे। कभी-कभी किस्मत आदमी के साथ होती है, जैसे आजकल मेरे साथ है। मेरा बस चले तो मैं एकदम आसमान पर पहुंच जाऊं। जमीन से रिश्ता तोड़कर? जमीन पे तो रिश्ता सिर्फ तुम हो और वो खरबूजा जफर।
और तो कोई भी नहीं है मेरा। मेरा बस चले ना, तुम दोनों को लेकर आसमान पर पहुंच जाओ। चलो निशा, क्या सोचा तुमने? मसला यह है सब कि अभी तक हम एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते। मैं तो तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं निशा, तुम अपनी बात करो। तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या करते हो? अब्बा कहते थे कि एक दिन कोकाब से परियां मुझे उठाकर अम्मा के पंगूड़े में छोड़ गई थी। मैं बहुत छोटा सा था, अम्मा यरकान में मर गई। अब्बा ने अपनी जैसे तरबियत की और फिर वो भी चला गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने पैरों से जमीन खींच ली हो। सर पे से जैसे किसी ने आसमान लपेट दिया हो। बहुत दिन आवारा कुत्तों के साथ फुटपाथों पे गुजर गए। तर तर की ठोकरें खाई, तर बदर हुआ। रोटी के एक टुकड़े के लिए कैसा कैसा जलील हुआ छोटा सा बच्चा। शायद 8-9 साल का। फिर जफर की खाला मिल गई, ठोकरों ने मुझे अपना हक छीन कर लेने का सबक दिया था। आम आदमी से ऊंचा होने का ख्वाब, उससे ताकतवर होने का ख्वाब शायद उन्हीं ठोकरों का नतीजा थे। फिर आखिरकार मैंने अपने ख्वाबों की ताबीर पा ली। क्या सारे ख्वाब पूरे हुए? मैं अभी, तुम बाकी। बहुत ऊंचा जाने की ख्वाहिश, शांति। बात वही है लक की, अगर मुझे यकीन है जल्दी सब पूरे हो जाएंगे। और बोलो, और क्या जानना चाहती हो? देखो निशा, मैं जिंदगी में बिल्कुल अकेला हूं, मुझे अपना लो। मैंने जो कुछ कहा बिल्कुल सच कहा। अब्बा कहा करते थे कि मोहब्बत में झूठ नहीं बोला जाता, मैं सच कह रहा हूं।